राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है, और अध्यक्ष महोदय जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहा है कि सरकार शीघ्र ही इस पर विचार करेगी। इससे पहले भी महोदय इसी सदन में भी चर्चा हो रही थी और इसमें सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया था, तो दोनों के जवाब में कहीं न कहीं कंट्राडिक्ट हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का था कि सरकार त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करेगी और उसके लिए कुछ समय चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम शीघ्र इस पर विचार करेंगे। तो ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट होना चाहेंगे कि सरकार इस पर कब तक विचार करे। और इसमें सबसे जो मेरा सुझाव था कि जो श्रम विभाग की 1982 ईस्वी की जो चिट्ठी थी पत्रांग 806, वो बिहार सरकार की ही चिट्ठी थी, और वो बिहार सरकार की चिट्ठी झारखंड में भी लागू हुई थी, और उस चिट्ठी में बहुत ही स्पष्ट किया गया। मान्य सदन, एक चीज का जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जो प्रश्न रखेंगे उसमें अधिकतम पूरक एक ही होगा, इसलिए आप एक ही पूरक करें। और ये माननीय ये खाली जानना है कि झारखंड सरकार वो चूंकि एक संसदीय कार्य मंत्री का भी अभी एक जवाब आया था, और अभी आप उस पर न जाए, आप एक पूरक करिए। 1932 के खतिया में अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार कब तक ये स्थानीय नीति लागू करना चाहेगी, यही पूरक सवाल थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राज के पदाधिकारी भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और कैसे कार्य होते हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये जो पत्र का जो मुख्तियार सिंह जी का शायद ये जिक्र करना चाह रहे हैं, शायद ऐसे ही है। अध्यक्ष महोदय, राज अलग होने के बाद स्थानीय नीति को लेकर कई सीढ़ियां चढ़ी गई, उतरी गई, और इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार उन आदेशों को मद्देनजर रखते हुए उसका अध्ययन कर रही है। अध्यक्ष महोदय, समिति बनानी होगी।